हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश 2. हियर वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू चैप्टर. इन द लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 7. ओके, एंड दैट वाज द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 8, द रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? तो लास्ट चैप्टर में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमने देखे, उसमें क्या क्या था? हु है, व्हाट है, विच, हूज, हुम, ये जो सभी है वो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुए हो तब वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. लेकिन जब यही वर्ड्स हु, हुम, हूज है, विच और एक वर्ड है जिसमें एड होगा दैट, तो ये जो सभी वर्ड्स है जब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है तब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. लेकिन जब यही वर्ड्स से वो अलग अलग दो सेंटेंस को जॉइंट करने के लिए यूज हो तब ये जो प्रोनाउंस है उनको हम क्या बोलेंगे? जॉइनिंग प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस. ये जो प्रोनाउंस है वो रिलेटिव प्रोनाउंस इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जो उसके बिफोर जाने वाले जो नाउन होता है, इसके बिफोर जो नाउन आता है उससे रिलेट रखता है, रिलेट होता है, रिलेटेड होता है, इसीलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं. तो पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम उसकी जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न द एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे टू पेयर्स सेंटेंस की होगी. ओके, जैसे कि तो ये जो पूरा जो है किससे रिलेटेड है, हु किससे रिलेटेड,
ये जो है वो किसको रिफर बैक टू द नाउ, है ना, जो रिलेटेड नाउ है उसी को रिफर करता है। पूरा सेंटेंस किसको रिफर करता है, मैन को, इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखें, द गर्ल इज माय सिस्टर, सी इज कैरिंग द ट्रे,
एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। दिस इज अ बॉय, हिज लीग वॉज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट। This is the boy, the headmaster gave him a prize. Okay? तो second sentence में हमें pronoun देखना है, कौन सा है? तो इसमें pronoun है him, जो he का objective form है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर sentence के अंदर objective form use हुआ है noun के बदले, तो हमें whom से join करने हैं sentence
बैठा हूँ, ओके। क्योंकि ही इज है वो किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय। नाउन किस कौन सा है, द बॉय। सो हमें नाउन के तुरंत बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, तो दिस इज द बॉय whom द हेडमास्टर गिव जाएगा। यहाँ पे whom लिखना है, इसलिए whom we saw yesterday,
कंप्लीट हो गया। अब जहां से हमने बाकी छोड़ा था है ना, ब्रेक किया था, तो आधा जो सेंटेंस है वो भी हमें लिखना तो पड़ेगा ना, तो वो हम इसके पीछे ऐड कर देंगे। तो यहां से ऐड करना है हैड अ गुड डे, समझ में आया? तो द बेगर हुम वी सो यस्टरडे, बेगर जिसे हमने कल देखा था, हैड अ वुडन लेग, उसके पास वुडन लेग है। ओके, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है हुम यूज हुआ है, जो दोनों सेंटेंस को जॉइन करता है, और उसके बिफोर जाने वाला जो नाउन है बेगर है उससे रिलेटेड है और उसको ये रिफर करता है, इसीलिए हुम है वो भी क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। दिस इज द हाउस, चेक विद इट, ओके। अब देखो दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है? ईट। जो ईट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, किसके लिए यूज हुआ है, कौन से नाम के लिए? तो द हाउस के लिए यूज हुआ है, और हाउस है वो क्या है? थिंग है, पर्सन नहीं है ना, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमन है, वैसे ये हाउस है वो पर्सन नहीं, क्या है? थिंग है। तो यहाँ पे थिंग के लिए हम ऑब्जेक्ट के प्लेस में हो या जो चाहे कोई भी प्लेस में हो, तो हुम वू और वूज इसमें यूज नहीं होगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ दैट या तो फिर विच यूज हो सकते हैं या तो फिर व्हाट यूज हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम दैट यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए, ओके, जॉइंट करने के लिए। तो दिस इज द हाउस दैट Jake built. ओके, जो बीच है वो ओनली थिंग्स या एनिमल्स या बर्ड्स के नाउन हो तो ही यूज होगा, जबकि दैट है वो थिंग्स के लिए भी यूज होगा और पर्सन्स के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है। ओके, सो राइट दीज एग्जाम्पल्स। This is the horse. अब देखो ये noun है, horse क्या है? Animal का name है ना? It won the race. So यहाँ पे जो pronoun use हुआ है it किसके लिए use हुआ है? कौन से noun को refer करता है? तो the horse को refer करता है, और horse है वो animal का name है। तो यहाँ पे हम who use नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे। ओके, क्या आएगा? दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस, ओके। तो यहां पे भी विच है वो एनिमल के लिए यूज हुआ है, विच पर्सन के लिए यूज नहीं, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होगा, और दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया है इसलिए बीच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो
पिक्चर वॉज पेंटेड बाय माय सिस्टर. ओके, इट इज ऑन द वॉल. यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हमने देखे. अब हम उसकी जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. मैं आपको वो भी लिखवाऊंगी कि कौन सा प्रोनाउन है वो पर्संस के लिए यूज होंगे और कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है वो थिंग्स के लिए यूज होंगे. ओके, सो जो एग्जांपल आपने लिखे है उसको आप घर पे स्टडी करना और समझना कि कैसे कहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे लिखना है, कैसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, वो सब आपको स्टडी करना है. ओके, तो ये एग्जांपल्स भी आप अपनी बुक में लिख लो.